लोकसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर। आपको बता दें कि हरियाणा में अंबाला लोकसभा से बीएसपी के द्वारा अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अंबाला लोकसभा से पवन रणधावा सुल्तानपुर को उम्मीदवार घोषित किया गया है। पंचकुला जिला के बरवाला खंड के गांव सुल्तानपुर के रहने वाले पवन रणधावा को बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। बुधवार को पंचकुला पहुंचने पर पवन रणधावा का बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जानकारी देते हुए पवन रणधावा ने बताया कि पार्टी के द्वारा जो विश्वास उन पर जताया गया है उस पर वह खरा उतरेंगे और अंबाला लोकसभा के चुनाव को जीतकर दिल्ली में लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। पवन रणधावा के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और पार्टी के नेताओं का धन्यवाद किया गया। पवन रणधावा ने कहा कि अब की बार लोग बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे क्योंकि लोगों के द्वारा भाजपा कांग्रेस का राज देख लिया गया है। दोनों पार्टियां सिर्फ अपने हित के लिए काम करती हैं, जनता के लिए कोई भी नहीं सोचता। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा पवन रणधावा ने। सबसे पहले तो मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं और जिन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा भरोसा किया है और अंबाला लोकसभा से मुझको प्रत्याशी बनाया गया है। मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी का धन्यवाद करता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि आज बहुजन समाज पार्टी के साथ सभी वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं क्योंकि लोगों ने बीजेपी पार्टी भी देख ली और कांग्रेस भी देख ली। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को मौका दें, सबको परखा बार बार, बहुजन समाज पार्टी को परखो एक बार। पवन रणधावा जी, अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में, एक लंबा राजनीतिक जो सफर आपने तय किया है उसके बारे में भी थोड़ी जो है जानकारी दें। हमारा परिवार शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी के साथ है। मेरे माता जी 15 साल गांव की सरपंच रही लगातार, जर्नल के अंदर भी और एससी के अंदर भी, रिजर्व सीट के अंदर भी, और मेरे पिताजी नंबरदार जी थे और समाज से भी थे। और मैं शुरू से ही पार्टी के अनेक पदों पर रह चुका हूं और 2005 में एमएलए का इलेक्शन कालका विधानसभा से लड़ चुका हूं, अध्यक्ष रह चुके जिले और जिले का अध्यक्ष रह चुका हूं। तो जो अब की बार चुनाव है लोकसभा का, इसमें किस पार्टी से आप बीएसपी की टक्कर मानते हैं? इस बार बहुजन समाज पार्टी नंबर एक ही पार्टी है क्योंकि बीजेपी कई बार यहां से रह चुकी है एमपी की सीट पर और कांग्रेस भी 3-4 बार जीत चुकी है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस बार यहां से अच्छी वोटों से जीतेगी। जी रंधावा जी, क्या जनता से आप अपील करना चाहोगे? मेरी सबसे पहले अंबाला लोकसभा के सभी वर्गों से यह अपील है कि आपका बेटा, आपका बच्चा और राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा अंबाला के प्रत्याशी चुना गया है और मेरी सभी वर्गों से अपील है कि आज सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने एक गरीब बच्चे को गांव से टिकट देकर सम्मानित किया है। मेरी सभी लोगों से अपील है, अपने इलाके से अपील है कि आज पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने किसी गांव के बच्चे को टिकट दिया है। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि आपने सभी पार्टियां देख चुकी हैं, एक बार अपने बेटे को भी मौका दें। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं और हमारा चुनाव चिन्ह हाथी है और कल से हमारे जनता के अंदर प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। समय कम है पर मेरी यह कोशिश रहेगी कि सभी लोगों के तक पहुंचा जाए। अगर मैं किसी के पास नहीं पहुंच पाया तो माफी चाहूंगा, पर मेरी कोशिश जाने जाने ही रहेगी कि सभी जनता सभी को मिलूं।